गजरौला थाना पुलिस ने किया दो जालसाजों को गिरफ्तार, एसपी ऑफिस में हुआ खुलासा। अमरोहा जनपद की गजरौला थाना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा के आदेश पर चलाया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत दो शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया, जिनके नाम नबी हसन और लड्डन हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये लोग जाली नोट बनाने की विधि सिखाने के झांसे में लेकर लोगों से ठगी करते हैं और बड़ी तादाद में ये लोगों को अपने जाल में फंसा चुके थे। उनके पास से जाली नोट बनाने में और झांसा देकर लोगों को फंसाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं, जिसमें 300 रुपए के नोट, एक माचिस, मोमबत्ती और सफ़ेद पाउडर की डिबिया और अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये काफ़ी शातिर ठग हैं, जो जाली नोट नहीं बल्कि जाली नोट बनाने के उपकरण और उन्हें विधि सिखाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। उनका पुराना इतिहास भी है जो खंगाला जा रहा है। दूसरा घटनाक्रम है क्या है? गजरौला थाना क्षेत्र में हसनपुर गजरौला रोड पर चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि असली नोट पर काला रंग लगाते थे और उसको दो शीशों के बीच में बंद करके मोमबत्ती से गर्म करते थे। इसके बाद गर्म पानी में डालकर धोते थे और बताते थे कि ये नकली नोट तैयार हो गया है नया। इस तरह से लोगों को धोखा देकर ठगी करते थे। के खिलाफ काफ़ी जिसका मुकदमा कायम करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से दो काले शीशे, दो शीशी जिसमें एक कोई ब्रांड भरा हुआ है, मोमबत्ती, दो डिब्बी हिमालय डिब्बी, फेस पाउडर, एक कैंची, कागज़ तथा छह नोट पदार्थ लगे हुए बरामद हुए। इनका आपराधिक इतिहास एक एक है, ये 420 का ही है।